हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंजक पूजन के बारे में, कंजक पूजन या जिसे हम कहते हैं कन्या पूजन। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्र का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों में भक्त माता रानी की आराधना करते हैं तथा उपवास रखते हैं। फिर अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन या कंजक पूजन किया जाता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। यह मुख्यतः उत्तर भारत में किया जाता है, जिस दिन माता रानी के रूप में 9 कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराया जाता है। तो गाइस, आज हम कंजक पूजन के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजक पूजन कब किया जाता है। दोस्तों, कन्या पूजन लोग अपनी मान्यता के अनुसार करते हैं। कुछ लोग इसे नवरात्र के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन करते हैं। उस दिन माँ दुर्गा के अष्टम रूप यानी माँ महागौरी की पूजन करने का विधान है। और कुछ लोग इसे नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात नवमी को करते हैं और उस दिन माँ दुर्गा के नवम रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। नवरात्र के 9 दिन हम माता रानी की पूजा करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन हम माता रानी के रूप में कन्याओं को बुलाते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं। इस दिन भक्तगण प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि इत्यादि करके माता रानी की पूजा करें। इसके पश्चात अपने घर पर आलू पूड़ी हलवा बनाएं और माता रानी को भोग लगाएं। अब घर में 9 कन्याओं को बुलाएं और उनकी पूजा करें, उनके लिए आसन लगाएं, उन्हें उस पर बिठाएं, चंदन वंदना करें। ध्यान रहे, इन 9 कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी बहुत आवश्यक है, जिसे बटुक भैरव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कन्या पूजन की पूरी विधि जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है। दोस्तों, 9 दिन तक हम नवरात्र में माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, जिससे हमें विभिन्न लाभ मिलते हैं। छोटी कन्याओं में भी माता रानी का ही वास होता है, इसलिए उनके प्रतीकात्मक रूप में 9 कन्याओं का पूजन तथा उन्हें आहार खिलाने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इससे हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा व आस्था को प्रकट करते हैं। साथ ही माता रानी भी कन्या पूजन से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। वे अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। कन्या पूजन से हमें महिला शक्ति का अनुभव होता है और उनका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। इस दिन महिला को एक शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो पुरुषों तथा समाज को एक उचित संदेश देती है। तो अब हम बात करते हैं कंजक पूजन में एक बालक को क्यों बुलाया जाता है। दरअसल इसके पीछे शिव जी की कथा जुड़ी हुई है। देश भर में माता रानी को समर्पित 51 शक्तिपीठों का निर्माण भगवान शिव की प्रथम पत्नी माता सती के अंगों से हुआ था। उनके अंग जहां जहां भी गिरे वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उन शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के समीप अपने ही एक रूप बटुक भैरव का मंदिर बनवाया। इसलिए किसी भी शक्तिपीठ पर दर्शन करने के साथ ही यदि बटुक भैरव के मंदिर का दर्शन ना किया जाए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब हम नवरात्रि पर माता रानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं, तब भगवान शिव के बटुक भैरव के प्रतीक रूप में एक बालक को भी बुलाया जाता है और उसकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। उसे भी कन्याओं के साथ बिठाकर भोजन कराया जाता है। अब मैं आपको विस्तार में बताती हूँ कन्या पूजन की विधि। सबसे पहले आप अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित करें। घर में पधारने के पश्चात उनके चरणों को जल से धोएं तथा प्रणाम करें। उसके बाद उन्हें बैठने के लिए आसन दें। आसन पर बिठाने के पश्चात अक्षत, रोली, चंदन, कुमकुम इत्यादि से उनकी पूजा करें। हर कन्या के माथे पर तिलक लगाएं तथा हाथ पर मौली का धागा बांधें। इसके बाद सभी कन्याओं की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद आपने उन्हें अपने घर पर जो प्रसाद बनाया है वह सभी कन्याओं को खाने के लिए दें। जब सभी कन्याएं प्रसाद ग्रहण कर लें तो उनका हाथ धुलाएं और उन्हें एक एक उपहार दें और उन्हें उनके पैर छूकर घर से विदा करें। इस तरह से आपको कन्या पूजन यानी कंजक पूजन करना चाहिए। तो आयु के अनुसार कन्याओं के भी अलग अलग रूप होते हैं, जिसका मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। बाय बाय, जय माता दी।